गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड. टुडे मोरल इज, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर. व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर. जब आप जानोगे कि बेटर क्या है आपके लिए, अच्छा क्या है आपके लिए, तब आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे. जब उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज रहेगी पहले से, या उस चीज़ को अच्छी तरीके से आप जान पाओगे, तो उस चीज़ को कर सकते हो. लेकिन जब उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगी, उस चीज़ को नहीं जानोगे क्या सही है और क्या गलत है, तो अगर हमें गलत समझ में आ रहा है तो हम गलत ही करेंगे. जैसे हम लोग कोई चैप्टर फिनिश करते हैं, रीडिंग करते हैं, अच्छे से उसको जब तक समझेंगे नहीं, तब तक उसके अंदर की चीज़ों को हम नहीं जान पाएंगे कि उस पार्ट में, उस चैप्टर में कहाँ क्या गया है. जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम उसका ना तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और ना ही हम उस एक्सरसाइज की स्टोरी बता सकते हैं. तो इसलिए हमें उस चैप्टर को, उस पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. जो चीज़ ना आए उसको क्लियर कर लेना चाहिए. क्या है, जब हमारे माइंड में जो चीज़ें हो जाती हैं, फिर वो चाहे गलत हो या सही हो, हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और तब तक करते हैं जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि वो चीज़ सही है हमारे लिए, गलत है, आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है. जब हम जानेंगे उस चीज़ को, तो हम उस चीज़ को कभी गलत करेंगे ही नहीं. जब उस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे, तो हम बेटर कर पाएंगे. और तो रिपीट कर देते हैं फिर से, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर. जब तक आप नहीं जानेंगे कि क्या बेटर है क्या अच्छा है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. और जब आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ जाएंगे, तो आपको उस चीज़ को करने में भी आसानी होगी और उस चीज़ को बेटर से बेटर आप करके दिखाओगे भी. ओके, तो ये आपका मोरल है. अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई. ओके, आज हम हिंदी ग्रामर जो है पढ़ने वाले हैं. आज हम देखते हैं कौन से पार्ट पे हम पहुंचे हैं. तो आज आपको हम बताएंगे, इससे पहले जब हमने वीडियो जब आप इससे पहले के चैप्टर पढ़े थे, तो आपने सर्वनाम पढ़ा था अध्याय 8. अब हम 9 पढ़ेंगे, पार्ट 9. और ये है विशेषण, जो हम इंग्लिश में एग्जेक्टिव पढ़ते हैं. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए. जो चित्र दिया गया है उसे ध्यानपूर्वक देखिए. बगीचे में सुंदर फूल है, खरगोश तेज दौड़ता है, तोते की चोंच लाल होती है, मैं रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ, भारत के सैनिक बहुत वीर हैं, रोहन के पास 3 खिलौने हैं. तो ये जो है दिया गया है, चित्र के अकॉर्डिंग लिखा गया है. और मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे बगीचे में सुंदर जो लिखा हुआ है, और तेज, चोंच, 2, वीर और 3, ये सारी चीजें हाईलाइट करके लिख दी गई है. हाईलाइट करने का मतलब, उभारने का मतलब है कि इसका कोई ना कोई मतलब जरूर है हमारे पार्ट में, क्योंकि पार्ट हमारा विशेषण है और इसमें हमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो इसके हिसाब से मिल जाएंगी. तो बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं. ये सभी विशेषण हैं. संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण हैं. यानी कोई भी चीज़ है, चाहे वो संज्ञा है चाहे वो सर्वनाम है, उसकी अगर विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है. क्योंकि अभी पढ़ा था कि बगीचे में सुंदर फूल है, तो सुंदर मैंने बोला ना, कोई रीजन होगा तभी सुंदर को हाईलाइट करके लिखा गया है. तो सुंदर क्या है, फूल की विशेषता है. तो फूल की विशेषता सुंदर है जो बगीचे में है. अब खरगोश तेज दौड़ता है, तो खरगोश की विशेषता क्या है कि वह तेज दौड़ता है. अभी यहाँ होता कछुआ धीमे चलता, तो उसकी विशेषता क्या हो जाती, कछुआ धीमे चलता है. तो धीमे कछुए की विशेषता है. ऐसे तोते की चोंच लाल है, यानी यहाँ जो तोता बैठा हुआ है इसकी विशेषता क्या है, इसकी चोंच जो है लाल है, क्योंकि इसके पूरे शरीर जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं. एक चोंच ऐसी होती है जो बिल्कुल हाईलाइट करके दिखती है, यानी रेड कलर की होती है. तो ये चोंच जो है लाल है, वो विशेषता है तोते की. फिर है, मैं रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ. अगर यहाँ लिखा होता मैं रोज
दूध पीता हूँ, गिलास में गिलास का कोई भी इसमें मेंशन ना किया गया होता, मैं रोज दूध पीता हूँ, तो ये सेंटेंस का सिंपल सा मतलब होता मैं रोज दूध पीता हूँ। लेकिन यहाँ बोला जा रहा दो गिलास दूध पीता हूँ, यानी गिलास की जो विशेषता बता रहा कौन है। फिर भारत के सैनिक बहुत वीर हैं, वीर जो है सैनिक की विशेषता है। रोहन के पास तीन खिलौने, खिलौने की विशेषता यह है कि उसमें गिनती बताई जा रही है कि उसके पास जो है वो तीन खिलौने हैं। फिर अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और फिर जब हमने सर्वनाम पढ़ा तो हमने ये देखा है कि नाम की जगह पे जो है जो चीज़ें यूज की जाती हैं, मैं, उसे, उसका, ये सारी चीज़ें वो सर्वनाम शब्द में आती हैं। तो दोनों चीज़ों की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की पहचान वाक्य में कैसा और कितने का प्रश्न करके की जाती है। विशेषण की जो पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है, जब वाक्य में कैसा और कितने आ जाए तो वहाँ विशेषण शब्द का यूज होता है, उपयोग होता है। पिछले पृष्ठ में दिए गए वाक्यों में फूल कैसा है, मतलब यहाँ जब कैसा आ गया है इसलिए यहाँ पे हमने विशेषण शब्द लिख दिया, वो है विशेषता बता रहा है फूल की जो सुंदर है। ऐसे तोते की चोंच कैसी है, लाल है। यहाँ बोला जा रहा है ना कि विशेषण की जो पहचान होती है वो वाक्य में अगर कैसा आ गया, कितने आ गया, प्रश्न होने लगा तो वो विशेषण। फूल कैसा है, पूछ रहा फूल कैसा है, तो फूल सुंदर है। तोते की चोंच कैसी है, तो तोते की चोंच जो है वो लाल है। भारत के सैनिक कैसे हैं, तो भारत के सैनिक की विशेषता है कि वो वीर हैं। फिर है खरगोश कैसा दौड़ता है, तो खरगोश तेज दौड़ता है। बच्चा कितना दूध पीता है, बच्चा दो गिलास दूध पीता है। रोहन के पास कितने खिलौने हैं, रोहन के पास तीन खिलौने हैं। तो अगर हमें विशेषण शब्द की पहचान करनी है तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि जहां हमसे क्वेश्चन किया जाने लगा या हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये कैसा है या कितने का है, कितने में है, कितना करता है, तो वहां पे हमें विशेषण शब्द का यूज करना, क्योंकि जो विशेषण शब्द की जगह हम उत्तर देंगे उसको वो विशेषण शब्द होगा। फूल कैसा है, पूछ रहा फूल कैसा है, तो उसकी विशेषता जो होगी, या हमें अब विशेषता अच्छाइयों में भी हो सकती है, विशेषता बुराइयों में भी हो सकती। कोई भी शब्द ऐसा है जिनकी चीजों को अलग कर दिया जाता है, जैसे हम आपको बता, आप में, हम में, सारे लोगों में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, कि आप में जो विशेषता है वो जरूरी नहीं किसी और में हो, और जो किसी और में हो जरूरी नहीं वो आप में हो। कोई कमजोरी आपकी होगी, कोई कमजोरी दूसरों की होगी, कोई विशेषता जो चीजें आप कर पाएंगे जरूरी नहीं वो सब लोग कर पाए, और जो सब कर पाएंगे जरूरी नहीं आप कर पाए। उसके लिए हम कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सेम चीजें कर सके। तो हमारी अपनी विशेषता है और दूसरों की अपनी विशेषता है। कुछ अन्य विशेषण शब्द, रंग रूप, गोरा, काला, सुंदर, नीला, पीला। आप देखिए, गोरा है, अगर कोई गोरा व्यक्ति है उसकी विशेषता हमें बतानी है तो हम ये बोलेंगे कि मान लीजिए कोई किसी का नाम है तो हाँ ये गोरी है, या किसी का नाम हमने लिख लिया, बोल दिया कि ये गोरी है, तो वो गोरी जो है वो उसकी विशेषता है, काली उसकी विशेषता है, सुंदर। और कलर का अगर पूछा जाए तो कलर की विशेषता है नीला एंड पीला। मतलब जितना भी शब्द रंग रूप के बारे में किया जा रहा है और किसी भी वाक्य के साथ ये जोड़ दिया जाए तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि जो है रोहन कैसा है, गोरा है, काला है, कैसा है, तो उसका आंसर हमें जब लिखना होगा और हमने कैसा देख लिया तो कैसा विशेषण शब्द में आ गया, और हमें सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इसकी विशेषता क्या बतानी है। माप, तौल, पहला, दूसरा, 2 मीटर, 1 गिलास।
माप तौल में जो विशेषण शब्द आता है वो ये है, जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए हम किराने वाले स्टोर पे गए या हम दूध की दुकान पे गए, डेयरी पे गए, कहीं भी गए, तो हमें जब कोई चीज़ें मांगनी होती नाप तौल की तो हम उस चीज़ को जो है बोल के देते हैं, ठीक है, कि ये इतने, अगर हमें कोई नाप तौल वाला मीटर ये चाहिए, 3 मीटर ये चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नाप तौल में आती हैं। स्वाद, खट्टा मीठा नमकीन आदि, स्वाद जो आता है, टेस्ट जो आता है, खट्टा मीठा और नमकीन, तो खट्टा भी एक विशेषण शब्द है, मीठा भी एक विशेषण शब्द है और नमकीन भी एक विशेषण शब्द है, ये सब विशेषण शब्द हैं, चाहे इसमें कोई अच्छाई हो या बुराई हो, है वो विशेषण शब्द ही, ठीक है। अब काला गोरा बहुत लोग का, अच्छा बुरा सब जो है विशेषण शब्द में आता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, पशु पक्षी कोई भी है, सबकी अगर कोई ना कोई एक कलर रंग रूप राप तौल स्वाद किसी चीज के बारे में बोला जाए तो वो उसकी विशेषता है। मान लीजिए खाना हमें अच्छा लगता, कुछ हमें अच्छा लगता तो हम क्या बोलते हैं, दाल अच्छी है, सब्जी अच्छी है, तो मतलब दाल अच्छी है तो अच्छा जो शब्द हम बोल रहे हैं वो दाल के बारे में बोल रहे हैं, अगर दाल खराब है तो हम उसके बारे में ही बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे विशेषण शब्द विशेषण ही रहेगा, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या वो बुराई के लिए हो, तो ये विशेषण शब्द है, मतलब कोई भी शब्द पूरा करने के लिए हमें उसमें शब्द ऐड करना पड़ता है, तो कैसा और कितने जहां आता है वहां हमें आंसर जो है वो विशेषण शब्द के साथ ही देना पड़ता है। आकार, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, ये भी एक विशेषता का ही शब्द है, अच्छा छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ये सारी चीजें जो हैं वो भी विशेषता हैं। अब आकार के बारे में, चाहे वो सामान के बारे में हो, चाहे वो व्यक्ति के बारे में हो, किसी के बारे में हो, अगर आकार में ये सारी चीजें यूज हो रही हैं तो वो विशेषण शब्द है। अवस्था, गरीब, अमीर, युवा, बचपन, बूढ़ा, तो ये सारी क्या है, अवस्था है, मतलब हमारी चलती रहती छोटा बड़ा या जो भी हो अवस्था आती है हमारी, बचपन, ठीक है, वो सब चीजें जो है वो अवस्था के बारे में, ये भी हमारा एक विशेषण शब्द ही है, चाहे अमीर हो या ये अमीर है ये गरीब है, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है और अमीर और गरीब शब्द यूज किया जा रहा है वो उस व्यक्ति की विशेषता है, उस व्यक्ति का विशेषण शब्द है, तो विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं, जैसे सुंदर, फूल में सुंदर विशेषण है और फूल विशेष, मतलब अब यहाँ भी एक चीज आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुंदर, जो सुंदर शब्द यूज किया जा रहा है फूल के बारे में यूज किया जा रहा है, और फूल क्या है, सुंदर फूल जो है वो सुंदर फूल के लिए यूज किया जा रहा, और सुंदर शब्द यहाँ विशेषण है, ठीक है। अब हमें विशेष शब्द निकालना, विशेष यानी जिसके बारे में कहा जाए, विशेष शब्द फूल है क्योंकि इसके बारे में ही कहा जा रहा है, तो यहाँ फूल शब्द जो है वो विशेष शब्द में आ जाएगा। अब विशेष और विशेषण, तो विशेष वो है जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे यहाँ खरगोश के बारे में और रोहन के बारे में, तोता, इन सब के बारे में कहा गया है, लेकिन जो विशेषता बताई गई है, जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, रोहन 2 गिलास दूध पीता, तोते की चोंच जो है वो लाल है, तो ये सारी जो विशेषण है इन लोगों के, तो जिन लोगों के बारे में कहा जाता है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष शब्द होते हैं, और जो उनकी विशेषता बताई जाती है, जो उनकी क्वालिटी अच्छी बुरी जो भी क्वालिटी बताई जाती है वो उनकी विशेषण होते हैं, वो विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है। तो हमने हम जो है विशेष शब्द को अलग और विशेषण शब्द को अलग देखेंगे, विशेष यानी जिसके बारे में कहा जा रहा, विशेषण जो चीजें बोली जा रही हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। विशेषण और विशेष, विशेषण जो शब्द होते हैं चालाक, भयानक, सफेद, शरारती, फलदार, और विशेष है जिनके बारे में विशेषता बताई जा रही है, जैसे लोमड़ी के बारे में बताया जा रहा कि वह चालाक होती है, शेर के बारे में बताया जा रहा कि वह भयानक होता है, हंस के बारे में बोला जा रहा है कि उसका रंग सफेद होता है, बंदर
बंदर कैसा होता है? बंदर शरारती होता है, और वृक्ष वृक्ष फलदार होता है। तो जो जिन चीजों के बारे में बोला जा रहा है वो विशेष में है, और जो जिन जो अच्छाई बुराई बताई जा रही है विशेषण शब्द में है। तो ये कुछ शब्द हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जब पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे शब्द हमको विशेष में रखना है और कैसे शब्द हमको विशेषण में रखना है। ओके, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था एग्जेक्टिव विशेषण, जिसमें आपको ये पता चला कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी भाव हो, कुछ भी हो, सबकी कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, चाहे वो सामान में हो, चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सबका एक अपना अपना अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है। जैसे कि हम जो चीजें, एक डॉक्टर है और डॉक्टर जो हमारा इलाज करता है, चेकअप करता है, तो वो चीजें जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग कर सकें। अगर हमें अपना काम दिया गया तो हम अपना काम ही करेंगे, किसी और का काम नहीं करेंगे। सीखने की बातें अलग हैं और करने की बातें अलग हैं, लेकिन हमारी जो विशेषता है वो हमारी ही रहेगी, और किसी और की जो विशेषता किसी और में ही रहेगी। कोई काला होता है उसकी विशेषता काली है, जो गोरा होता है उसकी विशेषता गोरी है, जो मोटा होता है उसकी विशेषता मोटी है, और जो पतला होता है उसकी विशेषता पतला है। तो ऐसी ही सारी चीजें होती हैं, किसी ना किसी में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी सब कुछ होता है। वो जो क्वालिटी होती है वो जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वो व्यक्ति की विशेषता वो क्वालिटी होती है जो उसके अंदर होती है। और ये भी नहीं है कि अगर अच्छा बोला जा रहा तो ही वो विशेषण शब्द है, बुरा बोला जा रहा तो विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द दोनों हैं, चाहे कुछ अच्छा बोला जाए या बुरा बोला जाए। तो इसमें कुछ शब्द जो आपकी बुक में दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ऐसे ही जो भी शब्द आपको मिलते जाएंगे आप इसको अच्छी तरीके से पहचानते जाएंगे। विशेष यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है, विशेषण जो शब्द हो जो उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। तो इसीलिए आपको फूल के बारे में भी एक लाइन है, पशु के बारे में भी एक लाइन है, पेड़ के बारे में एक लाइन है, बच्चे के बारे में एक, अलग अलग डिवाइड करके आपको दे दिया गया है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि हाईलाइट तब होता है जब उस चीज का कोई मतलब होता है, चाहे वो छोटी सी चीज हो और चाहे वो बड़ी सी चीज हो। आओ दोहराएं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में कैसा कितना प्रश्न करके विशेषण का पता लगाया जा सकता है। विशेषण का पता हमें लगाना है, अगर हमें विशेषण शब्द ढूंढना है तो उसके लिए कैसा और कितना शब्द का यूज करना होगा। अगर ये वाक्य, अगर ये हमारे क्वेश्चन में है कि इसकी संख्या कितनी है या ये कैसा है, तो हम उसका आंसर जब देंगे तो जिसके बारे में कहा जा रहा जो शब्द लिखेंगे वो उसकी विशेषता हो जाएगी, विशेषण शब्द हो जाएगा, और सिंपली निकल जाएगा कि हमने विशेषण शब्द क्या देखा। का सही विकल्प पर टिक करिए, लगाइए। पहला, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, तो इस यहां दोनों पे टिक करिए। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित में से गाय, टोकरी, जाना कोई विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि ये किसी की विशेषता नहीं है। गाय तो विशेष शब्द है ना, इसकी कोई विशेषता होगी, तो हम यहाँ सुंदर पे टिक करेंगे। तीसरा है, रोनित गरीब व्यक्ति है में विशेषण क्या है? गरीब है, क्योंकि रोनित जो है वो विशेष शब्द है, और इसकी जो है गरीब शब्द जो है वो विशेषण है, क्योंकि रोनित की विशेषण शब्द गरीब है, इसलिए यहाँ पे हमें विशेषण शब्द बोल रहा है ना कि विशेष, तो गरीब जो है वो रोनित की विशेषता है, इस वजह से हम इस पे टिक करेंगे। पढ़ा कि अमीर गरीब भी विशेषण शब्द में आते हैं। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तीसरा, अमीर, सुंदर, राजा। तो तीसरा है अमीर और सुंदर और राजा, तो हमारे पास विशेषण शब्द नहीं है राजा, क्योंकि राजा विशेष शब्द है, क्योंकि राजा की कोई विशेषता होगी ना, राजा तो कोई विशेषण शब्द है नहीं, इस वजह से हमें टिक लगाना है इस पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशेषण नहीं है। खा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भैंस
डैस होती है, भैंस काली होती है क्योंकि भैंस की जो विशेषता है वो काली है। दूसरा है भगत सिंह देशभक्त थे, भगत सिंह महान जो है वो भगत सिंह की विशेषता है इसलिए यहाँ महान लिखेंगे। तीसरा है राजकुमार डैस कमजोर हो गया, राजकुमार बहुत जो है बहुत कमजोर हो गया, कमजोर जो है वो राजकुमार की विशेषता है। इस पेय पदार्थ का स्वाद मीठा है, तो जो भी पेय पदार्थ है, पेय यानी पीने वाला जो भी सामान जो भी चीज है, जूस वगैरह दूध जो भी है, उसका स्वाद जो है वो मीठा है इसलिए पेय पदार्थ का मीठा विशेषण शब्द हुआ। मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं तीसरी, मतलब मेरी विशेषता ये है कि हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। और आपको वर्क भी करना है साथ साथ इसलिए आप वीडियो को यहीं पुश कर सकते हैं और पहले वर्क कंप्लीट कर लीजिए फिर आप आगे बढ़िए। तो जैसा ही आपको सही लगता है या आप वीडियो देख रहे हैं ऐसे साथ में देखते जाइए और वर्क को कंप्लीट करते जाइए। और जब तक अच्छे से पुश ना हो जाए, क्लियर ना आने लगे फोटो, तब तक आप जो है कोशिश करिए, जब आप सही टाइम पर पुश करेंगे तो फोटो जो है वो क्लियर आने लगेगी, वर्क करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गा निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। 2 किलो, 2 किलो क्या, 2 किलो को हम सही जगह कहाँ मिलाएंगे? 2 किलो पक्तियां, बालक, सेब, डाकू, भैंस, तो 2 किलो हम सेब पे मिलाएंगे क्योंकि यही उचित मिलान है। मोटी, वहां हमने मिला है काली, भैंस कैसी होती है? मोटी होती है। बुद्धिमान, बुद्धिमान बालक होता है, डाकू तो बुद्धिमान। हरी, हरी पत्ती, पत्तियां, पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा होता है। निर्दयी, निर्दयी डाकू, अगर वो निर्दयी ना होता तो चोरियां क्यों करता, मर्डर क्यों करता। खेल, खेल में का टोकरी में से विशेषण चुनकर उचित शब्द के साथ लिखिए। अब इसमें जो शब्द लिखा है उसे हमें उचित शब्द के साथ लिखना है, उचित शब्द मतलब विशेषण शब्द हमें चूज करना है और जो इसमें लिखा है उसमें हमें कंप्लीट कराना है। सुंदर, सुंदर जो है विशेषता है लड़की की इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सुंदर, ठीक है। चालाक, चालाक कौन होता है? चालाक लोमड़ी होती है, ये हमने कई बार कविता पढ़ी है, कहानी पढ़ी है। काले, विशाल हाथी, विशाल हाथी क्योंकि बड़ी होती है, विशाल काय पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताया था मैंने आपको। सुस्त, सुस्ता बहुत स्लोली है वो। खट्टा, नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तो हमने सही चीज सही जगह पे फिल कर दिया है। खट्टा, नींबू, काले बादल, चालाक लोमड़ी, विशाल हाथी, सुस्त कछुआ और सुंदर लड़की, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। आपको अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो तब तक आप रोके रहिए जब तक आपको चीजें साफ ना दिखें, और यहाँ सुंदर लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई चीज नहीं दिख रही है, खट्टा, काले, चालाक, विशाल, सुस्त, सुंदर, ये आपका है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। जो वाक्य दिया गया है इनमें हमें विशेषण शब्द चुनकर लिखना है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताती हो, तो हम अब बहुत अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे अब हम, क्योंकि अभी हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा। पहला, दुकान पर स्वादिष्ट पकवान मिलता, तो स्वादिष्ट क्या है? पकवान की विशेषता है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्वादिष्ट। गौरव बहुत बहादुर है, बहादुर जो है वो विशेषता है, विशेषण शब्द है गौरव के लिए। 2 मीटर रिबन दीजिए, तो 2 मीटर जो है वो रिबन की विशेषता है, मतलब हमें
मीटर 2 मीटर रिबन चाहिए। अमित बहुत हसमुख है, तो अमित की जो विशेषता है वो हसमुख है, हसमुख खुश रहता हो, हैप्पी रहता हो, तो उसकी जो है मतलब दुकान पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट विशेषण शब्द है। और बहादुर और गौरव बहुत बहादुर है, तो बहादुर जो है वो गौरव का विशेषण शब्द है। 2 मीटर रिबन का विशेषण शब्द अमित हसमुख है, तो हसमुख जो है विशेषण शब्द है। तो आप इसको भी ऐसे पुश करके पहले कंप्लीट कर लीजिएगा जो ना समझ में आए। तो ये चैप्टर आपका, ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, पार्ट 9 अध्याय 9 विशेषण। और आप इसको बता दे रहे हैं हम आपको कि आपको क्या कॉपी में करना है और क्या किताब में करना है। तो का जो है आपको किताब और कॉपी दोनों में करना है कंप्लीट। किताब में आपको केवल टिक लगाना, कॉपी में आपको लिख कर टिक करना है। खा है कॉपी बुक दोनों में कंप्लीट करना है, कॉपी में लिखना है और बुक में फिल करना है। उचित मिलान ये भी आपको कॉपी किताब दोनों में करना है। और खेल खेल में का और खा आपको कॉपी किताब दोनों में करना है। आपको टोकरी का चित्र बनाना है, उसमें ऐसे लिखना है जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो पूछ लीजिएगा। और चित्र आपको टोकरी का बनाना है, इसको टोकरी के साथ कंप्लीट करना है। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में कंप्लीट करिएगा। आपको आगे क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर आप पहले कॉपी में डेट लिखिएगा, डेज लिखिएगा, और मोरल जो आपका मोरल बताया था मैंने वो लिखिएगा। फिर पार्ट कौन सा पार्ट है वो और कौन सा तो वो हमें लिखना है। फर्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर का विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसा हमने अभी पाठ में पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, चाहे वो व्यक्ति वस्तु स्थान कोई भी हो, किसी की विशेषता बताना ही विशेषता विशेषण शब्द कहलाता है। प्रश्न नंबर खा, वाक्य में विशेषण की पहचान कैसे की जाती है? वाक्य में जो वाक्य होता है उसमें हम कैसे विशेषण की पहचान करते हैं? तो वाक्य में यदि कैसा या कितना जिसमें प्रश्न करने वाला शब्द आ जाए, जिसे लगे कि हमसे प्रश्न किया जा रहा है। अक्सर क्या होता है क्वेश्चन में हमारे कैसे, ये कैसे हुआ, कैसा था, कितने थे, तो इन सब क्वेश्चन में वह शब्द ज्यादा आते हैं। इसलिए इससे हमें पता लगाया जा सकता है कि विशेषण का शब्द है, हमें उत्तर में विशेषण शब्द यूज करना है, उपयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का विशेष विशेषण में अंतर लिखिए। विशेष जो मैंने बताया था आपको, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे सुंदर फूल में फूल विशेष है। मैंने कहा ना, जो एक सब्जेक्ट है हमारा, एक विशेष जिसके बारे में कहा जा रहा है वो विशेष शब्द है, और जो उसकी जिसके बारे में हमें मेन जो है, जिसके बारे में हमें विशेषता बतानी है वो है, इसलिए उसे विशेष कहते हैं। विशेषण जो शब्द की विशेषता बताई जाए, मतलब जैसे हम जैसे लोमड़ी की, कछुए की, किसी की विशेषता बताई जा रही, तो जो शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, लेकिन जो शब्द विशेषण के रूप में बताया जाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे सुंदर फूल में सुंदर विशेषण शब्द है। सुंदर क्या है? फूल की विशेषता है, विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर घ, कुछ विशेष तथा विशेषण शब्दों के नाम लिखो। तो उसमें है विशेषण, ऐसे आपको करना है डिवाइड करके विशेषण और विशेष लिखना है। विशेषण में वो लिखना है जिसके विशेषण में उसकी विशेषता लिखनी है, और विशेष में जिसकी विशेषता लिखनी है उसका नाम लिखना है। जैसे लोमड़ी जो है विशेष है, इसकी विशेषता यह चालाक होती है। शेर है, इसकी विशेषता यह भयानक होता है। हंस, इसकी विशेषता यह सफेद होता है। और बंदर, इसकी विशेषता शरारती होते हैं। और वृक्ष, इसकी विशेषता होती है कि हमें फल देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है।
और क्वेश्चन आंसर पे भी आप वीडियो को पुश करके अपना इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो ना समझ में आए ये उस पर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आंसर है